Hello students, welcome. This is the last part of the chapter that we were studying, kingdom classification. Okay, सबसे पहले हमने इस chapter में पढ़ा कि कैसे अलग अलग scientists ने classification करवाया, ठीक है, different different kingdoms में. तो सबसे पहले two kingdom देखा था, फिर उसके बाद five kingdom देखा था, फिर उसके बाद हम लोग आए थे invertebrates में, फिर आए हैं हम लोग अभी vertebrates में. तो vertebrates start करते हैं हम लोग discussion. ओके, सबसे पहले वर्टिब्रेट्स. नाउ व्हाट आर वर्टिब्रेट्स, हमने पिछले पार्ट में देख लिया था. एनिमल्स विच हैव प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स. ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, प्रेजेंट होता है. अभी वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है हमारे बॉडी में? वर्टिब्रल कॉलम अपने बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और इरेक्ट बॉडी पोस्चर या फिर स्ट्रेट बॉडी पोस्चर में हेल्प करता है. ठीक है, तो उसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं. अच्छे से लिखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम. ओके, एनिमल्स विच हैव प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स. नाउ अभी वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट्स में हम लोग ने एट देखा था, एट डिफरेंट डिफरेंट ये देखा था, जैसे क्लासेस देखा था बोल सकते है ना. और वर्टिब्रेट्स में भी हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस देखने वाले. कितना क्लासेस है टोटल, कितना क्लासेस में डिवाइड किया है? फाइव क्लासेस. कौन कौन सा क्लासेस? मतलब बैठते बच्चे पढ़ते वो क्लासेस क्या? नहीं, वो नहीं. क्लासेस मतलब, और सबसे पहले तो किंगडम में क्लासिफाई किया, फाइव किंगडम. कौन कौन सा? यस, स्टार्ट करते हैं. मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, एंड थर्ड था फंगाई, फोर्थ था प्लांटे, एंड फिफ्थ था एनिमेलिया. वो हो गया. फिर एनिमल्स को हम लोग ने फाइलम में डिवाइड किया, दो फाइलम. कौन कौन सा? इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. वो हो गया. फिर इनवर्टिब्रेट्स का हम लोग ने डिविजन देख लिया. अब वर्टिब्रेट्स में आते हैं. अब वर्टिब्रेट्स को और हम लोग ने डिवाइड किया है फाइव क्लासेस में. कितने क्लासेस में? फाइव क्लासेस. वैसा क्लासेस इनवर्टिब्रेट्स में था क्या? नहीं था, वर्टिब्रेट्स में है. तो फाइव क्लासेस कौन कौन सा, तो देखते हैं. वन, टू, थ्री, फोर, एंड यहां पर फाइव. सबसे पहला पाइसेस. पाइसेस मतलब स्पाइसेस, मतलब स्पाइसेस नहीं, पाइसेस. स्पाइसेस मतलब मसाले, और पाइसेस मतलब फिशेस आती है इसमें. क्या आएंगी? फिशेस. फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे टू पे एम्फीबियंस. क्या देखेंगे? एम्फीबियंस. पाइसेस मतलब फिशेस, फिर उसके बाद एम्फीबियंस. फिर थर्ड देखेंगे रेप्टाइल्स, है ना. थर्ड आएगा रेप्टाइल्स. फोर्थ आएगा एव्स, एव्स मतलब बर्ड्स. और फिफ्थ आएगा मैमल्स. ठीक है, मैमल्स, हम लोग मैमल्स में आते हैं ना. ठीक है, तो ऐसे हम लोग फाइव क्लासेस देखने वाले हैं. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासेस से. तो सबसे पहला क्लास कौन सा था हमारा? यस, पाइसेस. कौन सा था? पाइसेस. अब इसमें पाइसेस में क्या आता है? बर्ड्स, है ना. सॉरी, बर्ड्स क्या बोलते हैं, फिशेस. सॉरी, फिशेस. तो पाइसेस में फिशेस आती है. ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? दे आर एक्वेटिक एनिमल्स, है ना. फिशेस तो पानी में रहते हैं. फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? गिल्स, गिल्स होते हैं ना उसके. जैसे मान लो ये फिश है, ठीक है, तो उनके बॉडी सरफेस पे ऐसे कुछ गिल्स होते हैं, उनको इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गिल्स. तो ये गिल्स क्या करेंगे? बाहर से गैसेस को अंदर लेंगे और यहां से गैसेस को बाहर छोड़ेंगे. तो गिल्स आर द मेथड ऑफ रेस्पिरेशन इन फिशेस. ओके,
जैसे हम में लंग्स होता है ना, लंग्स, नोस्ट्रिल्स, ट्रेकिया, ये सारे ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं या फिर भाग लेते हैं, तो वैसे पाइसेस या फिर फिशेस में क्या होता है, गिल्स। उनके बॉडी के सरफेस पे स्केल्स प्रेजेंट होता है, स्केल्स। अब स्केल्स क्या होता है, जैसे ऐसे देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, ये जो मैं बना रहा हूं उसको क्या बोलते हैं, स्केल्स। वैसा स्केल्स ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखाई देता, तो ये स्पेशल किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पाइसेस या फिर फिशेस का। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड ब्लडेड मतलब अभी मैं उनका खून निकालूंगा तो वो ठंडा रहेगा, कोल्ड ड्रिंक की तरह, वैसा है क्या? नहीं। कोल्ड ब्लडेड मीन्स क्या, कोल्ड ब्लडेड रहता है और एक होता है वार्म ब्लडेड। अब वार्म ब्लडेड मतलब गरम गरम खून, क्या ऐसा तेल जैसा? नहीं। तो देखो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स, मतलब हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा भी फ्लूइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा मीन्स और सेल्यूलर, सेल्यूलर मतलब सेल एंड एक्स्ट्रा मीन्स सेल के बाहर, सेल के बाहर वाला फ्लूइड। तो जितने भी सेल्स हैं उनके बीच में, सब हर सेल्स के बाहर कुछ फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड में अलग अलग, उसमें ब्लड भी इंक्लूड हो जाता है, प्लाज्मा भी इंक्लूड होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं, डेफिनेशन आपको नोट करना है, ठीक है। द एनिमल्स विच आर एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट, फिर से बोलता हूं, द एनिमल्स विच आर एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट, ठीक है, ठीक है। द एनिमल्स विच आर एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट आर कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड। जो कांस्टेंट रख पाते हैं वो वार्म ब्लडेड, जो नहीं रख पाते वो कोल्ड ब्लडेड। अब कांस्टेंट रखना मतलब क्या, जैसे मान लो बाहर बहुत ज्यादा ठंडी हो गया है ना, तो हम ठंडी में, हम मैमल्स में आते हैं, हम ठंडी में क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं। शिवरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अपनी बॉडी में उतना टेम्परेचर नहीं गिरता जितना बाहर गिरता है ठंडी में, है ना। तो बाहर और अंदर उन दोनों चीजों को कांस्टेंट रखने के लिए अपनी बॉडी और हीट जनरेट करती है ना, हीट जनरेट करती है ताकि अपने को ठंडी ना लगे। मतलब आर बॉडी इज ट्राइंग टू मेंटेन द कांस्टेंट कंडीशन। जैसे गर्मी में बहुत गर्मी होता है तो स्वेट निकलता है, क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी बाहर के हिसाब से एक्शन कर रही है अलग अलग, लेकिन क्यों एक्शन कर रही है, ताकि अंदर की चीजें कॉन्स्टेंट रहे, है ना। जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपीज है, ठीक है, 10 रुपीज है और मुझे दो चॉकलेट खरीदना है, 5 रुपीज वाला मुझे दो चॉकलेट खरीदना है, मेरे पास 10 रुपीज है लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे 10 रुपीज में से एक भी रुपीज कम ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कुछ मेहनत, उससे पैसे कमाऊंगा। जैसे मैंने मान लो और 5 रुपीज कमा दिए तो मेरे पास हो गए 15 रुपीज, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे 5 रुपीज की एक चॉकलेट है, मुझे 10 रुपए खर्च नहीं करने, तो मैं क्या करूंगा, वो जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज मैंने कमाए जो मेरे 15 हो गए, तो एक्स्ट्रा 5 रुपीज मैं खर्च करके एक चॉकलेट लूंगा और 10 रुपीज मेरे पास वैसे ही रखूंगा। तो मुझे चॉकलेट खानी थी, तो खाने के लिए मैंने कुछ एक्शन किया और खुद का पैसा बचाने के लिए मैंने वो एक्शन किया, मतलब 10 रुपीज खर्च नहीं करना था। वैसे ही खुद का जो इंटरनल एनवायरमेंट है उसको कॉन्स्टेंट रखने के लिए अपनी बॉडी एक्शन करती है। अब हम रख पाते हैं, है ना। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर द एनिमल्स विच कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट, ठीक है, विच आर मैमल्स रख पाते हैं। लेकिन जो पाइसेस है वो कोल्ड ब्लडेड है, मीन्स दे कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट। मतलब जैसे बाहर ठंडी हो गया तो उसके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाता है, बाहर गर्म हुआ तो अंदर भी गर्म हो जाता है, विच इज नॉट ए गुड थिंग। मतलब वो अलग अलग एनवायरमेंट में रह नहीं सकता, उसके बॉडी में इतने अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं तो डिफरेंट एनवायरमेंट में नहीं रह सकता। जैसे इंसान है, इंसान डेजर्ट में भी रहता है ना, एकदम हॉट रीजन जैसे अफ्रीका में भी रहता है, एकदम कोल्ड रीजन यूरोप में भी रहता है, मॉडरेट रीजन इंडिया एशिया में भी रह सकता है। तो
ह्यूमंस कैन सर्वाइव अ वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द देयर नेचर दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ओके, तो लेकिन फिशेस है क्या वार्म ब्लडेड? नहीं. फिशेस डेजर्ट में रहती है क्या? नहीं. पहाड़ पे रहती है क्या? नहीं. कहां पे रहती है? पानी में रहती है. क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज कोल्ड ब्लडेड, है ना. इसका मतलब ये है कि सारे कोल्ड ब्लडेड पानी में रहेंगे? नहीं. लेकिन ये जिधर ज्यादा जगहों पर नहीं रह सकती क्योंकि इट कैन नॉट मेंटेन इट्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट या एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट. वापस एक बार, द एनिमल्स विच कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एज वार्म ब्लडेड एंड द एनिमल्स दैट कैन नॉट मेंटेन आर कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड. ये हो गया, यहां पर नोट कर लो. हाँ, तो पाइसेस या फिशेस के कुछ एग्जाम्पल. अभी फिशेस के एग्जाम्पल तो आपको काफी सारे पता है, यहां पर मैं लिख देता हूं फिर भी एक बार. शार्क, ठीक है, रोहू, काटला एक्सेट्रा, बहुत सारे फिशेस है उसमें नहीं जाएंगे. ठीक है, तो ये थे कुछ पाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट किस में जाएंगे हम लोग? एम्फीबियंस. एम्फीबियंस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वॉटर. लैंड पे भी रह सकते हैं, वॉटर में भी रह सकते हैं. सेकेंड, ये वापस कैसा है? कोल्ड ब्लडेड. ठीक है, हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 3 chambers. 3 chambered हार्ट. अब यहां पर एक पॉइंट ऐड कर लो स्पाइसेस में. ठीक है, मैं यहां पे स्पाइसेस में लिख देता हूं. इन स्पाइसेस हार्ट इज 2 chambered. अब ये 2 chambered 3 chambered क्या होता है? देखो इसको इरेज करते. नॉर्मली हार्ट ह्यूमंस में हार्ट 4 chambered का होता है, मैमल्स में 1 2 3 4. लेकिन एम्फीबियंस में कैसा होता है? ऐसा होता है एम्फीबियंस में. कितना है? 1 2 and 3. एंड फिर पाइसेस में कैसा होता है? ऐसा, ओनली 1 and 2. तो इससे फायदा या नुकसान क्या है? व्हेन यू हैव ओनली 2 chambers तो ऐसा होता है ब्लड में, हार्ट में, कि 4 chamber में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड, जैसे प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड. तो अलग अलग चेंबर होने की वजह से प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स नहीं होता, लेकिन इसमें मिक्स होने का चांस ज्यादा है, इसमें भी मिक्स होने का चांस ज्यादा है. लेकिन जहां पर 4 chambers है वहां पर चांसेस काफी जीरो है या फिर नेग्लिजिबल है. ठीक है, तो ये हुआ हार्ट की बात. और क्या कह सकते हैं हम लोग? दे ले देयर एग्स इन वॉटर. ओके, दे ले देयर एग्स इन वॉटर. ठीक है, एग्स पानी में देते हैं वो. ठीक है, भले ही लैंड और वॉटर दोनों में रह सकते हैं, लेकिन लैंड पे वो एग क्यों नहीं देते? क्योंकि लैंड पे अगर एग दे दिया तो वो हैच होकर उसके अंदर का जो यंग बने वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसको इनिशियली सर्वाइव करने के लिए वॉटर की कंडीशन रिक्वायर्ड रहती है. इसलिए वो एग्स कहां पे देता है? पानी में. फिर पानी में हैच होने के बाद वो यंग वन जो है वो बाहर में लैंड पे आ सकता है थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल्स लिखते हैं. एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? फ्रॉग, है ना, फिर टोड. टोड भी एक फ्रॉग जैसा ही दिखने वाला होता है. फिर एक है सैलामेंडर. सैलामेंडर आप पिक्चर देख सकते हो, गूगल पे जाके उसका फोटो देख सकते हो, सैलामेंडर और टोड का. फ्रॉग तो हम लोग जानते ही है, लेकिन कुछ लोग क्रोकोडाइल भी बोलेंगे कि एम्फीबियंस में आता है. क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है वो भी पानी में और लैंड पे रहता है. इसलिए हम लोगों ने एम्फीबियंस को वैसे डिवाइड नहीं किया है कि पानी में भी रहता है लैंड पे भी रहता है. नहीं, वो तो एक कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, क्रोकोडाइल भी पानी में लैंड में दोनों में रहता है, लेकिन वो ज्यादा कैरेक्टर किसका दिखाता है? रेप्टाइल्स का दिखाता है. किसका दिखाता है? रेप्टाइल्स का. इसलिए उसको हम लोग किस में क्लासिफाई करके रखते हैं? रेप्टाइल के अंदर. इट इमिटेट्स वन कैरेक्टर ऑफ एम्फीबियंस, मतलब वो
एम्फीबियन जैसा एक कैरेक्टर दिखाता है लेकिन वो है नहीं एम्फीबियन, ठीक है। वैसे तो ह्यूमंस भी काफी, ह्यूमंस भी एम्फीबियन की तरह दो आंख वाले, तो ह्यूमंस को रख सकते हैं एम्फीबियन में? नहीं ना, नहीं रख सकते। तो कुछ कुछ कैरेक्टर मैच हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर क्लासिफाई करके हम लोग उसको अलग अलग क्लासेस में डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना एम्फीबियन का डिस्कशन। नाउ मूविंग फर्दर, रेप्टाइल्स कैसे दे मूव? बाय क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब ऐसा रेंगते हैं ना, वो हार्ट कैसा होता है, हार्ट होता है थ्री चेम्बर्ड, या फिर उसको बोलते हैं इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड। मतलब बिटवीन थ्री एंड फोर, है ना, इनकम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड मतलब बिटवीन, पूरा लिखते हैं बिटवीन थ्री एंड फोर, मतलब तीन भी नहीं है, चार भी नहीं है, उसके बीच में किधर तो है। और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल हैज फोर चेम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल के पास कैसा हार्ट है? फोर चेम्बर्ड हार्ट। दे ले एग्स, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवीपेरस। क्या बोलेंगे? ओवीपेरस, है ना, ओवीपेरस बोलते क्योंकि ये अंडे देते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? इनके सरफेस, बॉडी सरफेस पे भी स्केल्स होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल का देख लो, स्नेक्स का देख लो, है ना। एंड एग्जांपल्स क्या होगा? स्नेक, क्रोकोडाइल, है ना, टॉर्टोइस। अब आप बोलोगे टॉर्टोइस तो इसमें भी आना चाहिए था, एम्फीबियन में नहीं, वही मैंने बात किया कि टॉर्टोइस भी मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर रेप्टाइल जैसा ही दिखाता है, है ना। एम्फीबियन, अभी बहुत लोग बोलते क्रोकोडाइल तो जमीन पे भी चलता है, लेकिन चलता है बात सही है, तो इट इज वन ऑफ द कैरेक्टर, लेकिन ज्यादातर कैरेक्टर वो रेप्टाइल जैसे दिखाता है, इसलिए हम लोग ने उसको रेप्टाइल में कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो इतना था, इतना चीज आपको याद रखना है, बस बहुत छोटा छोटा चीज याद रखना है, इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अभी आखिरी दो बचा है हमारा, नेक्स्ट कौन सा है? एव्स। एव्स मीन्स क्या? बर्ड्स। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं? विंग्स आर प्रेजेंट, है ना, विंग्स होते हैं। ले एग्स क्या है? ओवीपेरस। ओके, और क्या लिख सकते हैं? एक और कैरेक्टरिस्टिक है बर्ड्स में, इट हैज हॉलो बोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स। मतलब इसके अंदर, बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, हॉलो मतलब खोखला ऐसा, इसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है, जैसे खाली बॉटल होती है ना, सिलेंड्रिकल खाली बॉटल, वैसा बोन्स के अंदर कुछ नहीं होता। तो बोन, अब बताओ एक खाली बॉटल है और एक पानी से भरी हुई बॉटल है, कौन सी ज्यादा वजन वाली होगी? ऑब्वियसली पानी से भरी हुई। तो एक बोन है, एक खाली और एक भरा हुआ है। अब बोलोगे बोन किससे भरा हुआ रहता है? बोन कैल्शियम से भरा हुआ रहता है, बोन मैरो से भरा हुआ रहता है, बोन, ठीक है। तो बोन और अलग अलग येलो बोन मैरो से भरा हुआ रहता है, रेड ब्लड सेल होता है उसमें। तो ये होता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोन, ये होता है बोन के अंदर क्या क्या चीज है। तो एक तो पूरा भरा हुआ बोन है, एक खाली बोन है, तो हल्का कौन सा होगा? खाली वाला। तो इसमें हॉलो मतलब खाली बोन्स क्यों होता है? क्यों? क्योंकि खाली बोन इसकी बॉडी को हल्का बना देते हैं, तो जितना बॉडी हल्का होगा उतना उसको फ्लाई करने में इजी होगा। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, फॉर फ्लाइंग,
हॉलो बोन्स क्यों होते हैं इसके, फॉर फ्लाइंग, मतलब उड़ने के लिए काम आ सके ऐसा। ठीक है, फिर बीक प्रेजेंट होता है ना, बीक इज प्रेजेंट। फिर हार्ट कैसा है, फोर चेंबर, याद रखना हार्ट कैसा है, फोर चेंबर। फिर विंग्स आर प्रेजेंट, या फिर फेदर्स भी लिख सकते हो। और कैसा है ये, वार्म ब्लडेड। मैंने एम्फीबियंस में लिखा नहीं था शायद, या फिर रेप्टाइल में भी नहीं लिखा था, तो वो कैसा था देखो, पाइसेस, पाइसेस एम्फीबियन और रेप्टाइल तीनों कोल्ड ब्लडेड है। क्या बोला मैंने, पाइसेस एम्फीबियंस रेप्टाइल तीनों कोल्ड ब्लडेड है, ये वार्म ब्लडेड है, ये और मैमल्स सिर्फ दोनों ही वार्म ब्लडेड है। ठीक है, और एग्जांपल्स तो क्या ही लिखे अभी, पैरोट, क्रो, पीजन, किंगफिशर। किंगफिशर पीने वाला क्या, नहीं, किंगफिशर भी एक बर्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एव्स। चलो अभी आखिरी लास्ट वाला आता है हमारा मैमल्स। ठीक है, अब मैमल्स को मैमल्स मैमल्स क्यों बोलते हैं, ठीक है ये देखते हैं। हमारे बॉडी में, मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, हमें स्वेट आता है, स्वेट, स्वेट मतलब पसीना। तो वो पसीना कौन प्रोड्यूस करता है, तो पसीना प्रोड्यूस करने वाले एक ग्लैंड्स होते हैं जिसका नाम है स्वेट ग्लैंड्स। क्या नाम है, स्वेट ग्लैंड्स। तो अपने बॉडी में अलग अलग जगह पर पूरे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो कि पसीना, जो कि पसीने का जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है और सॉल्ट है, वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स। और हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैमल्स को मैमल्स क्यों बोलते हैं, तो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे देखा गया, एनिमल्स में देखा गया कि उनके जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड, सम स्वेट ग्लैंड वर मॉडिफाइड टू मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड मतलब ऐसे ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, सबसे सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो मम्मी क्या करती है, उसको दूध पिलाती है, बिकॉज दैट मिल्क इज वेरी मच यूजफुल फॉर दैट बेबी। तो वो जो मिल्क प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर ग्लैंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैमरी ग्लैंड। तो मैमरी ग्लैंड कैसे बनाया, अपने बॉडी का कुछ स्वेट ग्लैंड मैमरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ कुछ टाइप ऑफ एनिमल्स थे, उनके जो स्वेट ग्लैंड थे वो मैमरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो गए, और वो मैमरी ग्लैंड अपने बेबी यंग वन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में यूज हो रहे। तो उन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने बोला क्या, मैमल्स, मतलब स्वेट ग्लैंड्स वर मॉडिफाइड टू मैमरी ग्लैंड्स। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के स्वेट ग्लैंड जो वो है वो मैमरी ग्लैंड में मॉडिफाई हो चुके थे, उसको उन्होंने नाम दिया मैमल्स। ठीक है, तो इस तरह से नाम पड़ा। अब मैमल्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमंस आते हैं मैमल्स में, है ना, ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप्ड होता है, फूड लेने के लिए माउथ होता है, फिर वेस्ट रिलीज करने के लिए एनस होता है, किडनी होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालने के लिए, स्वेट, फिर और क्या बोल सकते हैं, डाइजेशन करने के लिए स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, ऐसा काफी डेवलप्ड होता है। तो हार्ट भी होता है बॉडी में, और वो भी कितना, चार चेंबर, और कैसा होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मेंटेन इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रख पाते हैं। और कैसा होता है, वीविपैरस, वीविपैरस मतलब क्या, एक होता है ओविपैरस, मतलब जो अंडे देता है उसको बोलते हैं, ओ से ओविपैरस, ओ से ओवम, ओवम मींस एग, वीविपैरस मींस गिव बर्थ टू यंग वन, गिव बर्थ टू यंग वन, मतलब क्या है कि यंग बेबी जो है वो उसके बॉडी के अंदर ही ग्रो होता है, फिर उसको वो बर्थ देता है। लेकिन ओविपैरस में क्या होता है,
जो ऑर्गेन जो मदर है वो एग्स ले करती है और वो एग्स हैच होके फिर यंग वन बनाते हैं, तो उसको ओविपेरस बोलते हैं और ये है विविपेरस। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, चलो ठीक है एक्सेप्शन नहीं लिखते, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, हैव फोर लिम्ब्स, चार लिंब होते हैं, मतलब दो हाथ दो पैर, ठीक है, दो हाथ होता है दो पैर होता है, ठीक है। जैसे डॉग है तो उसको भी चार लिंब होगा, ऐसे डॉग हंसना मत, ठीक है, मेरे डॉग पे पता नहीं डॉग है, लग रहा भी है नहीं, जो भी है मेरे को तो रैबिट लग रहा है, ठीक है, ये डॉग है, इसका भी चार लिंब है, तो ऐसा चार लिंब होता है क्या किसी में? नहीं, नहीं होता है ना, तो हैव फोर लिम्स, ठीक है। और एंड बॉडी सर्फ बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, जैसे फिशेज में स्केल्स था, क्रोकोडाइल्स में या फिर रेप्टाइल्स में स्केल्स था, वैसे ही मैमल्स में बॉडी किससे कवर्ड रहती है? हेयर से। बर्ड्स में फेदर्स से कवर रहती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हैज नोज, ईयर्स, माउथ, टंग, स्किन एक्सेट्रा, मतलब अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नोज, ईयर, टंग, वैसे। तो ये हो गया, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। और एग्जाम्पल जो मैं लिखूंगा नहीं अभी, क्या एग्जाम्पल लिखू मैं, मैमल्स में ह्यूमंस है ना, फिर डॉग, काउ, और क्या लिख सकते हैं, एक चीज याद रखना, डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन वो मैमल्स में आती है क्योंकि वो है एक वैरायटी ऑफ फिश, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर उसमें किसके होते हैं? यस, किसके होते हैं? मैमल्स के, इसलिए डॉल्फिन किस में आती है? मैमल्स में आती है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर क्लासिफिकेशन, हमने कहां से स्टार्ट किया था है ना, कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल सिस्टम, तो नेचुरल ज्यादा आर्टिफिशियल ज्यादा ये नहीं था, यूजफुल नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग ने अलग अलग साइंटिस्ट का देखा, जैसे कार्लस लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम दिया था, फिर उसके बाद और डेवलपमेंट होते गया, फाइव किंगडम वाला आया, फिर फाइव किंगडम में और थोड़ा स्पेशली इनवर्टिब्रेट्स का हम लोगों ने देखा कि इनवर्टिब्रेट्स में आठ होते हैं, मैं आठ वापस रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट था पोरीफेरा, यस, फिर सेकंड कौन सा था? सिलेंट्रेटा। थर्ड कौन सा था? प्लैट हेलमिंथिस। फोर्थ कौन सा था? एस्क, अपना ये नेमेथ हेलमिंथिस या फिर एस्क हेलमिंथिस भी बोल सकते हैं उसको। फिफ्थ कौन सा था? एनलिडा। सिक्स कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। सेवन कौन सा था? मॉलस्का या फिर मॉलस्क। और एट कौन सा था? एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये हो गया एट फाइव इनवर्टिब्रेट्स का। फिर वर्टिब्रेट्स में आते, तो वर्टिब्रेट्स में फाइव क्लासेस था, कितना? फाइव क्लासेस। कौन कौन सा? सबसे पहले फिशेस या फिर पाइसेस बोलते हैं, सेकेंड एम्फीबियंस, थर्ड यस रेप्टाइल, फोर्थ एम्स और फिफ्थ मैमल्स। तो कोल्ड ब्लडेड देखा, वार्म ब्लडेड देखा, हार्ट कितने चेंबर्स का होता है हर एक, इसमें हमने वो देख लिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक चार्ट देने वाला हूं जिसमें क्लासिफाई किया होगा कि किस किस में क्या क्या कैरेक्टर होता है, तो आप अच्छे से उसको याद रख सकते हो। तो इस वीडियो के एंड में दो चार्ट आएगा आपको, आपको वो आपके बुक में नोट डाउन करना है, जिसके मदद से आपको इजीली याद हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो चार्ट देख लो आएगा वो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, रिवाइज दिस चैप्टर, रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, मेक द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू नीड टू रिमेम्बर द थिंग्स। तो सीक्वेंस में याद रखना इसको, कोशिश करो, जैसे मैंने सीक्वेंस में बताया कि पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, वैसा। तो जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमल, ऐसे सीक्वेंस में याद रखो तो अच्छे से याद होगा, ठीक है। जैसे एनी, मैं वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल देता हूं, पाइसेस से लेके मैमल्स तक, अब थोड़ा कम डेवलप्ड से लेके डेवलपमेंट बढ़ते गया। जैसे मैमल्स में फोर चेंबर आ गए, इसमें सिर्फ टू ही चेंबर था पाइसेस में, है ना, वो पानी में रह रहा था, ये किधर भी रह सकते हैं मैमल्स। फिर
और बोल सकते हैं जैसे ये कोल्ड ब्लडेड था वो वार्म ब्लडेड था, तो ऐसे डेवलपमेंट होते गया। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो मेक नोट्स ऑफ इट एंड लुक एट द चार्ट्स दैट आई एम गिविंग, ठीक है, सो दैट यू कैन लर्न इट इन अ बेटर वे।